केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर अब राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गोरखपुर का भी विकास होगा। प्रदेश की योगी सरकार ने गोरखपुर सहित प्रदेश के 7 जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तैयारी की गई। गाइडलाइन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके संबंध में गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल ने CM योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब गोरखपुर और बेहतर विकास होगा। प्रदेश की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में अब 100% पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, IT कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस, स्वच्छ पर्यावरण, महिला, बच्चे व वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था, स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पर फोकस करके विकास किया जाएगा। शहर को गंदगी से निजात मिलने और जल भराव की समस्या भी जल्द दूर होगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से विशेष बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, गोरखपुर के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुरी नहीं बल्कि 7 शहरों को जो नगर निगम से जुड़े हैं स्मार्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है और स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर पहले से ही विकसित हो रहा है। यहाँ पर चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरत है। एम्स है, यहाँ फर्टिलाइजर है, रामगढ़ झील है और चौड़ी सड़कें मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बनाई जा रही है और स्मार्ट सिटी में घोषणा करके गोरखपुर का मान सम्मान बढ़ाया है। भविष्य में गोरखपुर विकास के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाएगा, हमें पूरा विश्वास है कि स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं होती हैं वो जल्द से जल्द गोरखपुर को मिलेगी। चिकित्सा की सुविधा, पेयजल 24 घंटा सप्लाई की सुविधा, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, इसके अतिरिक्त 24 घंटे बिजली जो अभी भी मिल रही है ये आगे भी बरकरार रहेगी और साथ ही साथ हमारे यहाँ गोरखपुर में पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने की और उससे बिजली बनाने की भी व्यवस्था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। कूड़ा निस्तारण के लिए भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है और STP मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गोरखपुर को सभी नाले को टेप करके STP से जोड़ा जाए, इस पर भी काम हो रहा है और पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम के लिए काम शुरू हो गया है। 2 जोन में सीवरेज सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद ये काम और तेज़ी से बढ़ेगा और गोरखपुर का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में होगा और यहाँ जनता की वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो स्मार्ट सिटी में जनता को मिलनी चाहिए। हमें इसके लिए हम गोरखपुर की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को और कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।